To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर रिग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और स्टूडेंट्स को उसकी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। कुछ वर्ड्स पता होते हैं, मॉडल फिटनेस, एक्सप्लेनेटरी पावर, लेकिन बैकएंड पे क्यों उसको मॉडल फिटनेस कहते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, रिग्रेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स में रिलेशनशिप है, इफ़ेक्ट मालूम करना है, और एक और इम्पॉर्टेंट उसका ऑब्जेक्टिव है वो है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग, अच्छा, अब किसी भी चीज़ को अगर फॉरकास्ट करने की कोशिश की जाए तो ईजीएस्ट मेथड कौन सा है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्टूडेंट की जीपीए बताऊं, चार सेमेस्टर की 2.8, 2.89, 2.9, 2.85, तो पाँचवें सेमेस्टर की गैस करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, 2.84, 2.88, इसी के अराउंड होगा। इसका मतलब आपने किस चीज़ को इस्तेमाल किया फॉरकास्ट करने के लिए? आपने इस्तेमाल किया एवरेज को। तो सबसे आसान मेथड फॉरकास्ट करने का क्या होता है? एवरेज। अच्छा, इस तरीके से जब हम इस वाई को फॉरकास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमने एवरेज मेथड को इस्तेमाल किया और हमने कहा कि इस एक्स पर जो आने वाला एक्स है, जो कि अभी आया नहीं है, उस एक्स पर अगर वाई मालूम करना चाहूँ तो वाई का एवरेज वैल्यू आपको बता देगी। तो आपने कहा कि ये एवरेज है वाई का और ये एवरेज, इसका मतलब है अगर एक्स ये होगा तो वाई ऑन एवरेज ये होगा, ऑन एवरेज ये होगा। ओके, ये एक्स है तो ऑन एवरेज वाई इतना होगा। अच्छा, जब वक्त गुजरा, एक्स की रियल वैल्यू इतनी हो गई, तो जब वाई की एक्चुअल वैल्यू आई इस पैटर्न के हिसाब से, तो वो यहाँ कहीं आ गई, यहाँ कहीं आ गई। इसका मतलब ये y की फॉरकास्टेड वैल्यू है, जो कि किससे फॉरकास्ट किया था? एवरेज से। और ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो हुआ क्या कि ये एक्चुअल और मीन का डिफरेंस आ गया, एक्चुअल और मीन का डिफरेंस आ गया, ये कहलाएगा मीन डेविएशन। ये क्या कहला रहा है? मीन डेविएशन। अच्छा, अब देखिए, ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये मीन है, ये उससे ये एक्चुअल वैल्यू है, तो ये कहला रहा है मीन डेविएशन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, हम शो एक पॉइंट पे कर रहे हैं, डिस्कशन तमाम पॉइंट्स पे होगा, डिस्कशन तमाम पॉइंट्स पे होगा, बात हम शो एक पॉइंट पे करेंगे। तो मीन डेविएशन, ये मीन है, ये डेविएशन, इसी तरह तमाम पॉइंट्स मीन डेविएशन होगा, जैसे उस पॉइंट से हम दिखा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मीन डेविएशन का सम हमेशा कैसा होता है? जीरो। सम ऑफ वाई माइनस वाई बार, यानी मीन डेविएशन का सम हमेशा कैसा होता है? जीरो। ये सम है। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं ऑन एवरेज कितना दूर हूं। तो एवरेज लेने के लिए सम करना पड़ा, और सम करें तो हमेशा क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो जब भी मीन डेविएशन को सम करके देखना हो तो डायरेक्ट सम नहीं करते। क्यों सम नहीं करते? क्योंकि सम करने से आंसर जीरो हो जाएगा, एवरेज वैल्यू नहीं पता लगेगी। हम लेते हैं इसका स्क्वायर और फिर सम करते हैं। और फिर हुआ क्या कि हमने, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस को चेक करना था, तो हमने हर पॉइंट से आने वाली डेविएशन को स्क्वायर लिया और ऐड कर दिया, तो ये कहलाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर लेके ऐड किया तमाम डेविएशन को, तो ये जो ये डिस्टेंस है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा क्या कहला रहा है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। जब फिर किसी ने कहा कि आपने एवरेज से फॉरकास्ट क्यों किया, क्योंकि एवरेज से फॉरकास्ट करने से इतना गैप आ रहा है, तो आप एवरेज से क्यों फॉरकास्ट करें? आपके पास स्कैटर प्लॉट मौजूद है, आप यहाँ पर अपनी रेग्रेशन लाइन ड्रॉ करें और रेग्रेशन से फॉरकास्ट कर दें। यानी जैसे ये रेग्रेशन लाइन बना दी, तो इस रेग्रेशन लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ ये लिख देता। अब जब ये वाला x मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा तो यहाँ से मुझे कोई ना कोई एस्टिमेटेड y निकल आएगा। अगर इसी चीज़ को मैं ग्राफिकल देखूँ तो होगा क्या कि अगर मैं ये वाला x रखूँ तो मेरे पास y की वैल्यू ये आएगी। अब देखें, रेग्रेशन से जो फॉरकास्ट किया है वो एक्चुअल के ज़्यादा करीब है, और एवरेज से जो फॉरकास्ट किया है वो एक्चुअल के ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब रेग्रेशन से जब मैंने फॉरकास्टिंग की तो मीन से फॉरकास्टिंग के बाद जो डेविएशन आ रहा था ना, वो इतना डेविएशन कम हो गया। मेरी रेग्रेशन ने मीन से होने वाली फॉरकास्टिंग का जो टोटल डेविएशन था, इसका इतना हिस्सा कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया, एक्सप्लेन कर दिया। यानी रेग्रेशन से फॉरकास्ट करूंगा तो वैल्यू एक्चुअल के ज़्यादा करीब निकल रही है देन एवरेज के। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैंने अब ये जो डिस्टेंस था, क्योंकि हम बात तमाम पॉइंट्स की कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है,
ये वो पार्ट है जो कि रेग्रेशन मॉडल ने एवरेज से आने वाली डेविएशन से कैप्चर कर लिया। तो जैसे मैंने कहा कि हमने तमाम मीन डेविएशन को स्क्वायर लेके सम कर दिया, शो हम एक पे करेंगे, तो इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सबका मिला के शो एक में कर रहे हैं, ये है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। और इस टोटल सम ऑफ स्क्वायर का इतना हिस्सा मेरा रिग्रेशन मॉडल कवर कर चुका है, एक्सप्लेन कर चुका है, तो मैंने इस हिस्से को कह दिया एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, ESS। और मेरा रिग्रेशन मॉडल भी जितने पार्ट को कवर नहीं कर सका, यानी एक्चुअल और एस्टिमेटेड के दरमियान का गैप, आपको पता है ये क्या कहलाता है जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, एरर। इसी वजह से हमने इस हिस्से को स्क्वायर लेके जब सम किया तो हमने इसको कह दिया रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, RSS। रेजिडुअल एरर को ही कहते हैं। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। अब देखें, मैंने एवरेज से फोरकास्ट किया तो ये गैप आ जाएगा, जब रेग्रेशन से फॉरकास्ट किया तो ये पूरा गैप इतना कम हो गया, सिर्फ इतना सा गैप रह गया। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरे रेग्रेशन मॉडल ने मीन से आने वाली डेविएशन का कितना परसेंट कवर कर लिया, यानी मीन से आने वाली डेविएशन का कितना परसेंट कवर कर लिया, तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ESS कितना परसेंट है TSS का, ESS कितना परसेंट है किसका, TSS का। अच्छा, ये जितना ज़्यादा होगा ESS, जितना ज़्यादा होगा वैल्यू एक्चुअल की उतनी ज़्यादा करीब होगी, फॉरकास्टिंग उतनी अच्छी होगी। तो ये जो रेशो है ना ESS TSS का कितना परसेंट है, जब हम इसके रेशो की बात कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड R स्क्वायर। इसलिए कहते हैं कि ये जितना ज़्यादा होगा मॉडल उतना फिट होगा, तभी इसको कहते हैं मेजर है किसका, R स्क्वायर, गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट बताता है मॉडल कितना एक्सप्लेन कर सकता है वेरिएबल, डिपेंड वेरिएबल को वो बताता है। तो इसलिए कहते हैं आर स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा मॉडल की फिटनेस उतनी ज़्यादा होगी, यानी आप उतना अच्छा इंडिपेंडेंट के थ्रू डिपेंडेंट को क्या कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखें, ESS ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, अगर बहुत अच्छी फॉरकास्टिंग हो गई तो ये पूरा ही फॉरकास्ट कर देगा, यानी ESS और TSS बराबर हो जाएंगे। जब ESS यहाँ तक पहुँच जाए और TSS और ESS बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है इसकी आंसर आ जाएगा 1, दोनों सेम है तो आंसर आ जाएगा 1। और वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि ESS रेग्रेशन भी वही आंसर देते जो एवरेज ने दिया, यानी बिल्कुल भी फॉरकास्ट ना करें, यानी ESS 0 हो जाए, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या नजर आएगी, 0। इसका मतलब R स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और कम से कम 0, तो R स्क्वायर ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। ये R स्क्वायर की रेंज है और इस R स्क्वायर को कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। तो ये तो था हमारे पास टॉपिक आर स्क्वायर का। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।